मैं चैलेंज करता हूं आपको, गरीब की आंखों में आंखें डालकर करीब से जाके पूछना कि महंगाई की मार गरीब को कैसे मारती है। चुनाव में आपने वादे करे अच्छे दिन के, आय बढ़ाने के, बढ़ाया क्या? सिलेंडर डीजल पेट्रोल ये बढ़ाया। आपको क्या पता है महंगाई कहां जा रही है? और जहां तक बची बात झूठे घड़ियाले आंसुओं की, आपके स्मृति ईरानी जी एक्चुअली टीवी एक्ट्रेस थी। क्योंकि सास भी कभी भाव में हम सबने देखा है, मैंने भी बचपन में देखा, 8-9 में पढ़ता था। साहब जब 410 रुपए का सिलेंडर था और 411 भी होता था ना, तो ये बड़े बड़े घड़ियाली आंसू आते थे, गले के मंगल सूत्र टूटते थे, मांग के सिंदूर हटते थे, क्या नाटक तमाशा होता था। वाह 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 वाह। आज 1000 रुपए के पार और कोई नाटक तमाशा नहीं। चुप सुम क्यों भाई? कुछ दिनों बाद हमारे जेबों में आधार कार्ड नहीं होंगे बल्कि उधार कार्ड लेके घूमना पड़ेगा इस देश के अंदर, उधार कार्ड। बात मैं यहां से कहता हूं, एक शेर से करता हूं। उसने पूछा उसके होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है, उसने पूछा उसके होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है, मैंने कहा कभी कभी एक इंसान के नहीं होने से पूरी कायनात बदल जाती है, खाली हो जाती है। और साथ ही जो आप बार बार कल्पना करके अधिकारियों को बड़े तरीके से यहाँ धमका रहे हो कि 6 महीने बाद ये होगा, 6 महीने बाद ये होगा, पहली बात तो आंकड़े आप सुधार लो, 6 महीने नहीं पूरे 8 महीने पड़े हैं। पहली बात, देखना तू तमाशा होगा बड़े कमाल का होगा, देखना तू तमाशा होगा बड़े कमाल का होगा, तेरा कामयाब हो जाना एक बवाल सा होगा। जितने भी देख रहे हैं तेरी ओर हारने के लिए, तेरे जीत जाने पर इनका क्या हाल होगा ये पता चल जाएगा दिसंबर के अंदर, क्या हाल होगा। आज हमारी सरकार इस बजट के अंदर, इस सरकार के अंदर चिरंजीवी योजना लेके आई। इन्होंने आपको सुना, अब आप इनको सुनिए। सुनना पड़ेगा, ढंग से सुनना पड़ेगा। और ये आंकड़ों का जाल जो बिछाते हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं समझता, लेकिन मैं एक वाक्य सुना देता हूं आपको। मेरे सवाई माधोपुर का, सवाई माधोपुर में मेरे आंखों के सामने एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, 2 बच्चे उससे गिरे, गिरते ही एक गाड़ी रुकी, मैं भी रुका, उतर के गया, और एक साथी ने दूसरे से कहा इसको फटाफट लेके जाओ बाजू वाले अस्पताल में। तो दूसरे ने कहा अरे यार प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसको तो जिला हॉस्पिटल है, दूर है। तो वही एक ने क्या बोला, अरे नहीं चिरंजीवी है, ले जा इलाज हो जाएगा। ये हो रहा है जमीन के ऊपर। और वो अस्पताल भी पहुंचा, इलाज भी हुआ, सर्जरी भी हुई, ठीक भी हो गया, घर भी पहुंच गया, पैसा लगा जेब का, टका भी नहीं, ये देख रही है मेरी आंखें। मैं सभी साथियों को जितने सामने बैठे हैं एक चैलेंज के साथ बात कहता हूं, ये करेंगे तो क्या करेंगे? मैं भी भविष्यवाणी कर देता हूं, जब इतनी सारी भविष्यवाणी हो गई, ये कुछ नहीं करेंगे। जब कभी भी इनका नंबर आएगा 10-20 साल बाद, ये सिर्फ योजना का नाम बदल देंगे, इनकी कलाई इसमें है। इस देश में ग्रामीण महिलाओं के आंखों में आंसू आते थे, चूल्हा जलाते जलाते गांव में, हमने देखा आंखों से। उन आंसुओं को पोंछने के लिए सिलेंडर गांव गांव पहुंचाए गए, और आज उन्हीं महिलाओं के वो सिलेंडर खरीदने में फिर से आंसू आ रहे हैं। और आंसू पोंछने का अगर कोई काम कर रहा है तो हमारी सरकार, गहलोत सरकार कर रही है। उन आंसुओं को पोंछने के लिए पूरे राजस्थान में घोषणा कर दी कि मात्र 500 रुपए में सिलेंडर गांव गांव घर घर दिए जाएंगे। और दावे के साथ चैलेंज करके सदन में कहता हूं, भविष्यवाणी नहीं करता हूं बल्कि चैलेंज करता हूं, अगर हिंदुस्तान में कहीं पे 500 रुपए आप सिलेंडर दे रहे हो, यहां खड़े होकर आप जवाब दीजिए हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन आंसू पोंछने का काम आज की तारीख में अगर कोई कर रहा है तो हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार आंखों के आंसू पोंछ रही है, चूल्हे के आंसू पोंछने के बाद सिलेंडर का आंसू ला दिया। और जहां तक बची बात झूठे घड़ियाले आंसुओं की, ये तो उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। आपके स्मृति ईरानी जी एक्चुअली टीवी एक्ट्रेस थी। स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री है, मैं उनका आदर सम्मान करता हूं। मंत्री के साथ साथ टीवी एक्ट्रेस भी नहीं है, क्योंकि सास भी कभी भाव में हम सबने देखा है, मैंने भी बचपन में देखा, 8-9 में पढ़ता था। साहब जब 410 रुपए का सिलेंडर था और 411 भी होता था ना, तो ये बड़े बड़े घड़ियाली आंसू आते थे, गले के मंगल सूत्र टूटते थे, मांग के सिंदूर हटते थे, क्या नाटक तमाशा होता था। वाह 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 वाह। आज 1000 रुपए के पार और कोई नाटक तमाशा नहीं। चुप सुम क्यों भाई? लेकिन आज अगर कोई जागा तो हमारी सरकार जागी और हिंदुस्तान के अंदर घोषणा कर दी कि 500 रुपए में सिलेंडर देगी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर देगी।
आपको क्या पता है महंगाई कहां जा रही है? लोगों के घरों में सगाइयां रुक रही है महंगाई के चक्कर में। आप सोचते हैं, मैं चैलेंज करता हूं आपको, गरीब की आंखों में आंखें डालकर करीब से जाके पूछना कि महंगाई की मार गरीब को कैसे मारती है। चुनाव में आपने वादे करे अच्छे दिन के, आय बढ़ाने के, बढ़ाया क्या? सिलेंडर डीजल पेट्रोल ये बढ़ाया। साथ ही इस बढ़ती हुई महंगाई को और घटती हुई कमाई को देखकर सर मुझे ताज्जुब है और मुझे शक है, कुछ दिनों बाद हमारे जेबों में आधार कार्ड नहीं होंगे बल्कि उधार कार्ड लेके घूमना पड़ेगा इस देश के अंदर, उधार कार्ड। मुझे तो, मैं ही था आज से 4 साल पहले इसी हाउस में, क्योंकि कोरोना से पहले था तो मैं वहां बैठता था, यहां बैठने लग गया। मैंने कहा था पंचायती सहायक शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचरों को लेकर के, मैंने कहा था कि कोई भी कम नहीं है, ना उधर वाले ना इधर वाले। 10-10, 15-15 साल हो गए जूते रगड़ते रगड़ते, तेल फूकते फूकते, लेकिन उनका भला ना उन्होंने किया था ना हमने किया था। लेकिन अब मैं पिछले 10 साल नहीं 9 साल की बात करता हूं। राठौर साहब बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, वो वैसे मैं अपने आप उनका भतीजा मानता हूं अधिकार पूर्वक। लेकिन पिछले 5 साल में जब इनकी सरकार आई थी, चुनाव था, घोषणा पत्र के पेज नंबर 74 में बिंदु नंबर 4 कर्मचारी कल्याण हेड में आपने वादा किया था कि पंचायत सहायक शिक्षा कर्मी पैरा टीचरों का नियमितीकरण करोगे। और आपका नाम सर मैंने इसलिए लिया, आप नियमितीकरण कमेटी के अध्यक्ष थे। आपने कम से कम 100 मीटिंगें उस कमेटी की करी, और 5 साल पूरे होने के बाद भी जो एक मजदूर की कमाई होती थी उससे भी कम पे लाख उनको छोड़ दिया, सिवाय बेवकूफ बनाने के 5 साल कुछ नहीं किया। ये आंकड़ों का जाल और अप्रोप्रिएशन मिस अप्रोप्रिएशन, ये मैं ज्यादा समझता नहीं हूं, लेकिन आई साइट थोड़ी कमजोर है, चश्मा लगा के बराबर देख लेता हूं, आंखें मुझे मेरा पूरा दिखाती है। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हम झूठे हैं, झूठी घोषणा, कुछ नहीं करेंगे और ना ही कुछ होगा, ये कहा। आज दावे के साथ कहता हूं, मेरे सवाई माधोपुर से आता हूं, हमारी घोषणा थी मेडिकल कॉलेज बनेगा, जाके देख लो बन रहा है, हमारी घोषणा थी नर्सिंग कॉलेज बनेगा, जाके देख लो बन रहा है, हमारी घोषणा थी एग्रीकल्चर कॉलेज बनेगा, जाके देख लो बन रहा है, हमारी घोषणा थी नया हॉस्पिटल बनेगा, जाके देख लो बन रहा है, हमारी घोषणा थी जीएसएस बनेंगे, जाके देख लो बन गए, फीता काटने जा रहा हूं परसों, हमारी घोषणा थी पानी के डैम बनेंगे, जाके देख लो बन गए, उसका भी फीता काटने जा रहा हूं। आंखों ने तो मुझे ये दिखाया। तो नहीं साहब, घोषणा भी हमारी थी और टेंडर भी हमने कराए और काम भी हमने करा दिया और पैसे भी हमने दे दिए और कसर नहीं छोड़े, फीता भी अभी काट देंगे, आप चिंता मत करो। अपनी एक बात आखिरी कहते हुए शेर के रूप में कि साहब मन्नत है तो सब मांगते हैं, आसमान में टूटा हुआ तारा देखते हुए, मन्नत है तो सब मांगते हैं आसमान में देख टूटता हुआ तारा देखकर, टूटा ख्वाब लेकर मुस्कुराना सीखो, ऐसा एक जज्बा साथ में लेके चलो। बहुत बहुत धन्यवाद।